पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से निकल कर आ रही है। जी हां, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जो बिहार बंद का समर्थन कर रही है, जैसे कि राजद हो, हम हो। अब ऐसे में जो भागलपुर से खबर निकल कर आई है कि भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर राजद नेताओं के द्वारा रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरीके से वहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि आज 13 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद भी बिहार के तमाम जिलों से खबरें निकल कर आ रही है, बिहार बंद का जो है असर दिखने लगा है। हमने आपको जहानाबाद की खबरें दिखाई है, अब आपको भागलपुर की खबरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और राजद नेता प्रदर्शन करने के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनते जाइए। देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ नाम से छात्र नौजवान बेरोजगार विरोधी योजना लाई गई है, राष्ट्रीय हित के विरोध में योजना लाई गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इसी बेरोजगार विरोधी योजना तथा राष्ट्रीय हित के खिलाफ लाई गई योजना के हम लोग आज यहां पर पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। आपको यह मालूम हो कि जिस प्रकार से इन्होंने यह योजना लाने का कार्य किया है, इसके माध्यम से सिर्फ बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक नहीं किया गया है, बल्कि इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कार्य किया है। आप बतलाइए कि कोई भी युवक यदि 4 साल तक किसी सेवा में कार्यरत रह लेगा, उसके बाद फिर वो यदि वापस जाएगा तो वहाँ वो किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करेगा? क्या उसके बाद जिसके जीवन पर, जिसके सेहत पर, जिसके चरित्र पर यह ठप्पा लग गया कि यह सेना का आदमी है, उसके बाद वो जाकर के पकौड़ा बेचेगा, पान का दुकान चलाएगा, पंचर बनाएगा क्या? तो केंद्र सरकार की इसी नीति के खिलाफ में आज समूचे देश में युवा आंदोलित है। उसी कड़ी में भागलपुर में भी छात्र राजद के द्वारा आज यह आंदोलन किया गया है। आपने राजद नेता आनंद आजाद को सुना। आपको बताते चले कि लगातार हो रहे बिहार से लेकर पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना के खिलाफ, उसका समर्थन कर रहे हैं और साथ में छात्रों की मांग को जायज बता रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रदर्शनकारियों का ये 4th दिन है। 3 दिन से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, तमाम गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। लेकिन मुख्य बात यह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं के आवास और बीजेपी के कार्यालयों पर भी हमला किया जा रहा है। ऐसे में आज बिहार बंद का जो है ऐलान किया गया था और बिहार बंद का असर भी अब दिखने लगा है। बिहार के तमाम जिलों से खबरें निकल कर आ रही है और राजद नेताओं के द्वारा भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।